मैं ये कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए भारत के सभी किसान नेताओं की, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भानु प्रताप सिंह हो या राकेश टिकैत हो, सारे इनके प्रतिष्ठानों पे कल से ताले पड़ जाने चाहिए। कल से चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बसे हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई कुछ हो, ताले कल से। तभी तभी किसानों का और देश का भला होगा और तभी सरकारें किसानों की मांग पूरी कर पाएंगी। क्यों कि इन किसानों ने तो, किसान नेताओं ने तो अरबों खरबों की संपत्ति बना ली है। मैं ये कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए भारत के सभी किसान नेताओं की, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भानु प्रताप सिंह हो या राकेश टिकैत हो। ये कुछ नहीं बनने का, ये किसान ना जा रहा कहीं, ये यही रहेगा। ये तो सरकारी सरकारी संगठन है, तो सरकारी संगठन भी तो है ना देश में, तो बहुत तरह के लोग आवेंगे यहाँ। हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों, 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। किसी भी काम को लेकर अगर जिद पर अड़ जाए तो उसका समाधान नहीं होता, और समाधान निश्चित रूप से मिल बैठ कर निकलता है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है, और समाधान मिल बैठ कर से बैठने से ही निकलेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आज जिस तरह से ये बिल आए हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से लगातार देश भर से किसान हमारे कैबिनेट मंत्री जी को, तोमर साहब को आकर धन्यवाद दे रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा बिल है जिससे आने वाले समय में किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। तो इस समय परिस्थितियाँ ये बनी हुई है कि एक तरफ देश का किसान कह रहा है कि ये बिल बहुत ही अच्छा है, और एक तरफ कुछ किसान है जो ये कह रहे हैं कि इस बिल को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सामूहिकता के साथ में सामूहिक रूप से बैठेंगे तो जो इसके अंदर आपको अगर कुछ ऐड करवाना है तो उसके साथ ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से यस या नो। मैंने भी आंदोलन खूब किए हैं और राजनीति की शुरुआत आंदोलन से मेरी हुई है, लेकिन मैंने कभी इस तरह से कि एक यश या नो ये नहीं होता है। बैठने से समाधान निकलता है